हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल्ड टाइम क्लासेस सारणपुर चैनल पर दोस्तों मैं संजीव तोमर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए एक औसत की दूसरी क्लास लेकर आया हूं ठीक है ना औसत की जो सेकंड क्लास है ये आप सभी के लिए होने वाली है और इसकी खास बात यह है दोस्तों ये लेक्चर है ठीक है ना इसका मतलब ये हुआ कि जो अब वैसे अगर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हो तो ज़ाहिर सी बात आप जानते भी होंगे क्या शेड्यूल है हमारी हमारी क्लास का जो फॉर्मेट है दोस्तों वो दो टाइप में डिवाइड है एक तो होती है बेसिक क्लास और एक होती है लेक्चर तो ठीक है आज की क्लास जो है ये लेक्चर से संबंधित है तो जाहिर सी बात है बेसिक क्लास में जो होता है ज़्यादा डिटेल में होता है तो आज थोड़ा कम ही डिटेल में होगा ठीक है ना आज तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो जिसकी भी जो प्रॉब्लम है उसे आज सॉल्व किया जाएगा तकरीबन यहाँ पर बीस से तीस प्रॉब्लम है और रही दूसरी बात ये दोस्तों एक स्पेशल बैच चला रखा है हमने किसके लिए ये स्पेशल बैच चलाया है यूपी पुलिस एसएससी जीडी और रेलवे के लिए ठीक है ना स्पेशली तो ये एसएससी जीडी के लिए बैच है ठीक है ना तो आप इस बैच को देख रहे हैं तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड है इसी तरह से तो आप इस प्लीज इस बैच को उसी के साथ शेयर कीजिए हो सके वो भी कुछ मदद उठा सके और हम उसकी कुछ मदद कर सके तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं आज के विचार से आज का विचार क्या है खुद को मत बदलो किसी दिखावे के लिए ख़ुद को मत बदलो किसी दिखावे के लिए खुद को बदलो सिर्फ़ लक्ष्य पाने के लिए बात सच है कि दोस्तों ज़्यादातर हमारे दोस्त जो फ्रेंड हैं वो ज़्यादातर बदलते रहते हैं खुद को लेकिन खुद को नहीं बदलना है आप सभी को ठीक है ना खुद को क्यों नहीं बदलना है क्योंकि किसी दिखावे के लिए नहीं बदलना खुद को बदलना है सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी ठीक है ना तो आपको सिर्फ़ बदलना है किसके लिए सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए ठीक है ना सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए इतनी बात आपको ध्यान में रखनी हमेशा इस बात को एक मंत्र की तरह याद रखेंगे हम और अपने जब तक हम हमारा एम हमारा एम हमें नहीं मिलता तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की तो एक चार्ट बनाया गया दोस्तों स्पेशली ये चार्ट जो बनाया गया उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हाल ही में हमारे साथ जॉइन किया या फर्स्ट टाइम जो कॉम्पटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो ज़्यादातर इस वजह से परेशान रहते हैं क्या ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं तो ये चार्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं इस चार्ट में से डिस्क्राइब जिस भी डिपार्टमेंट के आप प्रिपरेशन करते हो उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर सॉरी तो उन सब के जो भी कॉम्पटेटिव एग्जाम होंगे उसके अंदर ये चैप्टर मिलने वाला है ठीक है ना तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों ये रहा पहला क्वेश्चन ठीक है ना तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत ठीक है ना तो आज की जो ये क्लास है क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है यदि उनतालीस अड़तालीस इक्यावन तिरसठ उनतालीस ठीक है ना उनतालीस अड़तालीस इक्यावन तिरसठ पचहत्तर तिरासी प्लस एक्स प्लस सिक्सटी नाइन कितनी संख्या हुई है इनका औसत जो है हमें बनाना है योग योग के लिए हमने मैंने बताया था योग के लिए क्या किया करोगे आप एन ए ये हमें अप्लाई ही करना होगा ठीक है ना तो कितनी संख्याएं हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ संख्या है तो आठ की मल्टीप्लाई कर दोगे आप इधर आठ गुना साठ ठीक है अब इसका टोटल आपको करना होगा इसका टोटल करोगे तो इनका टोटल आ जाएगा कितना चार सौ अट्ठाईस और प्लस एक्स यहाँ पर आठ छः अड़तालीस ये इसे इधर घटा दोगे तो ये बच जाएगा आपका कितना फिफ्टी टू ठीक है ना तो ये फिफ्टी टू रहा तो आंसर ये रहा आपका फिफ्टी टू तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्या करना है चार कर्मागत सम संख्याओं का औसत पंद्रह है यदि उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी औसत दिया गया ऑलरेडी तो आप ऐसे कर सकते हैं ये कर्मागत के लिए तो ये बहुत अच्छा है यहाँ पर पंद्रह है और यहाँ पर कितना होगा सोलह यहाँ पर होगा चौदह यहाँ पर हो गया और यहाँ पर अट्ठारह दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है ये रही दूसरे नंबर की यहाँ पर भी डी ऑप्शन ठीक है ठीक है ना दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तो पहले नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है अट्ठारह और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है सोलह ठीक है ना तो इस तरीके से आप कर सकते हो अच्छा एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या पाँच सौ दस है रविवार को कितनी है पाँच सौ दस और अन्य दिनों में दो सौ चालीस है अन्य दिनों के लिए कितनी दो सौ चालीस यदि रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के तीस दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी तो, तो आंसर तो हम बता देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपको समझना ये होगा दोस्तों अगर एक तारीख हो या दो हो इन दो तारीख का तकरीबन ठीक है ना दो तारीख का एक या दो तारीख का जो भी दिन बैठता है वो महीन उस महीने के अंदर पाँच दफ़ा आएगा ये आपको याद रखना होगा ठीक है ना तीस तारीख में अगर देख ले जाए तो पाँच दफ़ा आएगा इतना आपको याद रखना होगा हर हालत में ठीक तो ये बात बहुत ज़रूरी है तो चलिए फिर यानी पांच संडे है एक रविवार से आरंभ हो रहा है तो रविवार से आरंभ का मतलब पांच संडे तो पाँच गुना पाँच सौ दस और बचे कितने पच्चीस पच्चीस गुना कितना दो सौ चालीस और बटे कितना रहा तीस तो ये आपका आंसर रहा ठीक है ना बटे कितना रहा बटे रहा तीस और तीस बटे रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब आप, आप इसे कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप पंच पच्चीस और पाँच जीरो ठीक है ना और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्ली हो जाएगी छः हज़ार और बटे कितना रहा तीस से जीरो से जीरो कैंसिल तो इसके बाद कितना रहा यहाँ पे रहा ये मिला आठ सौ पचपन बटे तीन ठीक है ना ये कितना रहा दो ये आठ और पाँच ठीक है दो सौ पिचासी ठीक है दोस्तों कितना है दो सौ पचासी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है तो ये रहा आपका ऑप्शन दो सौ पचासी यहाँ पर देखिए यदि चार प्रशोषणों का औसत बीस है उनमें से प्रति एक में एक अचर सी पद जोड़ दिया जाए तो उन उनसे औसत बाईस हो जाता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चार का तो है बीस और चार दफा और जोड़ा होगा प्रति चार थे तो चार जोड़ दिया चार सी जुड़े तो हो गया कितना बाईस तो चार गुना बाईस ठीक है ना तो सी की वैल्यू बतानी नहीं है हम बता देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं ये तो अस्सी रहा ये चार सी और ये रहा अठासी चार सी बराबर आठ और सी बराबर कितना मिला दो तो ये आपका आंसर है ये रहा आंसर यहाँ पे क्या कहा गया कहा ये गया आपको चार कर्मिक समसंख्याओं का औसत नो है उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ई है दोस्तों तो अब आपको पता ही औसत तो ही बीच का है दस यहाँ पे आठ और यहाँ पे कितना हो गया बारह यही है सबसे बड़ी दोस्तों तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे तीन के प्रथम पांच विषम गुण जो का औसत विषम है दोस्तों ये आपको देखना होगा ठीक है ना विषम मतलब कि तीन तो ऑलरेडी है ये आपका हम्म यहाँ पे एक तीन पांच सात और नौ ठीक है ना तो ये विषम है तो यहाँ पे कोई बात नहीं अब आप जोड़ सकते हैं एवरेज निकालना है ये सोलह इक्कीस इक्कीस चार पच्चीस पच्चीस बटे कितना पाँच तो यही औसत का फॉर्मूला होता है यहाँ कितना बचा आपका पांच तो तीन पजे पंद्रह ये रहा आपका आंसर यहाँ पे क्या कहा गया ध्यान दीजिए एक कक्षा में चालीस लड़कों में से तीस का औसत भार साठ किलोग्राम है शेष का छप्पन किलोग्राम है सारी कक्षा का औसत भार कितना है कोई प्रॉब्लम नहीं तीस का कितना है साठ और बचे कितने दस दस का कितना है छप्पन और बटे कितना चालीस चालीस तो चेक करना था तो ठीक है ना? अब आप जोड़ से ये एक सौ अस्सी या और काटना चाहो तो काट दो आप जैसे कि चौदह चौक छप्पन ये तो चौदह बचा।, तो बचा ये एक सौ अस्सी चार चौक सोलह चार पैंतालीस पैंतालीस और चौदह का आप ऐड कर दोगे तो नौ पाँच तो उनसठ मिला आपका आंसर है उनसठ ये रहा उनसठ ठीक है फिर दोस्तों तो यहाँ पर अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ठीक है ना तो जी देखिए यहाँ पर एक संख्याओं का औसत कितना वाई स्क्वायर यानी एक्स का कितना वो औसत है एक्स का औसत है वाई स्क्वायर और वाई का कितना है एक्स स्क्वायर तो दोनों को जोड़ दिया क्योंकि सभी संख्याओं का औसत पूछा गया तो जाहिर सी बात है एक्स प्लस वाई यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया और यहाँ पर एक्स प्लस वाई आपके पास बचा और बटे में भी एक्स प्लस वाई इससे ये कैंसिल तो यहाँ पर बचा क्या आपको एक्स वाई ठीक है ना तो आपका ऑप्शन अगर देख लिया जाए तो आंसर आपका रहा बी एक क्रिकेट क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में एक सौ अस्सी रन बनाए दूसरे में दो सौ अट्ठावन रन बनाए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं पहले में एक सौ अस्सी रन दूसरे में कितने बनाए उसने दो सौ अट्ठावन तीसरे क्रिकेट में कितने रन बनाए कि तीनों टेस्टों का औसत दो सौ तीस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए कर देते हैं यहाँ पर यानी एक सौ अस्सी तो ये दो सौ अट्ठावन ये एक्स ये रहा और योग बना दिया हमने दो सौ तीस ठीक है ना? तो अब इसे आप ऐड कर दोगे आठ पाँच तेरह चार एक्स यहाँ पर कितना छः नौ ज़ीरो इधर आप घटा दोगे इसे जब आप इन्हें घटा दोगे तो यहाँ से बचेगा दो सौ बावन तो उसे बनाने चाहिए थे कितने दो सौ बावन ये रहा ठीक है बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन और है यहां पे क्या कहा गया ये ध्यान से देखना पहली तीन संख्याओं को औसत चौथी संख्या का दुगुना है ठीक है यदि उन सभी संख्याओं सभी चारों एक मिनट देखना हो दोस्तों कुछ छोटा सा मिस हो रहा है अब क्या हुआ है मिस देखता हूँ मैं घबराने की कोई बात नहीं जल्दी बता देंगे यहाँ पे कहा यह है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत बारह हो ठीक है ना ऐसा कहा गया यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत ठीक है ना ये क्या है औसत है ये हमें याद रखना तो चलिए जैसा कहा गया पहले ऐसा करते हैं ठीक है ना क्या कहा उसने पहली जो संख्या औसत जो है चौथी संख्या का दुगुना है सपोज करोगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी चार संख्या हुई तो तीन तो मल्टीपल हुआ योग निकालने के लिए और दुगुना था चौथी का तो ये मिला अब उसने कहा चारों का औसत चार का औसत कुछ ऐसा होगा यानी चार गुना बार है ये बोल रखा हमने और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम कितनी सिक्स डी और यहाँ पे डी तो ऑलरेडी है ही ये फोर्टी एट और यहाँ पे डी बराबर फोर्टी एट बाई सेवन कितना है डी बराबर फोर्टी एट बाई सेवन ठीक है ना चलिए यहाँ पे क्या है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है m n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है n का कितना है m स्क्वायर तो उनका योग कितना होगा m प्लस एन तो m n कॉमन ले लिया m प्लस एन और यहाँ पे कितना हो गया m प्लस एन तो ये हो गया m n ठीक है ना ये रहा कितना तो यहाँ पे यदि छ कर्मिक सम संख्याओं का औसत पच्चीस है छे कर्मिक सम संख्याओं का औसत पच्चीस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये रही 25 है तो यहाँ लिख दिया हमने पच्चीस तो यहाँ पर हुई छब्बीस यहाँ पर चौबीस यहाँ पर बाईस और यहाँ पर बीस यहाँ पर 28 यहाँ पर तीस तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में डिफरेंस कितना है डिफरेंस दस ठीक है ना ये रहा आपका आंसर चलिए फिर नेक्स्ट पर इसमें क्या कहा गया साठ औसत वाली चार संख्याओं में पहली बाद की तीन संख्याओं के योग की एक बटा चार है साठ औसत था पहली कंडीशन तो ये रखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हुआ चार गुना साठ ऐसा कह रखा बट एक कंडीशन दी गई जो पहली संख्या है वो तीस दो बची हुई दूसरी संख्या है इनके योग के कितनी है एक बटा चार ठीक है ना इनके योग के कितनी है एक बटा चार तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दोगे एक की ये तो है ही ऑलरेडी आपका है ना तो यहाँ पर क्या लिखोगे फोर ए और यहाँ पे चार गुना साठ जो का तुम तो लिखो यहाँ पे पाँच ए और यहाँ पे पर चौबीस सॉरी दो सौ चालीस और पाँच जैसा काट दे ए बराबर पाँच चौ बीस पान अठी चालीस तो फोर्टी एट रहा आपका आंसर यहाँ पे क्या कहा गया एक्स संख्याओं का औसत वाई है एक्स का वाई है और वाई का कितना है एक्स अब पूछा कुल का औसत कितना है कुल का ये हो गया एक्स कितना हो गया टू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई ठीक है ये रहा आपका आंसर ये रहा बी आंसर ठीक है ना एक और क्वेश्चन तीन संख्याओं का औसत एक सौ छप एक सौ चौवन है तीन संख्याओं का औसत कितना है एक सौ चौवन यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है जैसा कहा गया वैसा करना होगा बस आपको देखो इस तरीके से कर दीजिए पहली दूसरी और तीसरी जो पहली संख्या है पहली संख्या दूसरी की दुगनी ठीक है ना ये दुगनी है दूसरी की और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी अगर ये एक है तो ये दो और ये है दोस्तों चार ठीक है ना समझ आया आपको तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन करना है हम्म तो कहने का मतलब ये है ये तो है दुगनी, ये है चार तो कहा क्या गया यहां ध्यान दीजिए तो कहा यह गया पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं तो औसत कैसे बनाओ पहले यहां पे योग बनाओ योग कितना बना सात और यहाँ पे योग कितना बना तीन गुना एक सौ चौवन तो ये हो गया सात गुन चौदह सात उनच तो सिक्सटी सिक्स का मल्टीपल कितने का सिक्सटी सिक्स का तो पहली संख्या पूछी गई तो पहली क्या हो सकती है ये है पहली संख्या तो ये भी सिक्सटी सिक्स का मल्टीपल छः चौबीस चौबीस दो तो ये ही होगा चौबीस तो है ना एक सौ चौसठ तो ये रहा ऑप्शन ए आपका तो ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन मिला दोस्तों यहाँ पे तीन संख्याओं में से क्या कहा गया पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है यदि उन संख्या यदि उन तीनों का औसत छप्पन हो तो वे कर्मागत कर संख्याएं हो सकती हैं चलिए जैसा कहा गया वैसा करते हैं यहाँ पे पहली दूसरी और तीसरी पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की आधी है अगर यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे चार है इसकी आधी है और इसकी दूसरी की दुगनी है तो ठीक है ना अभी तक तो योग कितना हुआ यहाँ पर सात अगर योग सात है तो यहाँ पर औसत के जरिए कितना योग बना तीन गुना छप्पन सो छप्पन यानी चौबीस का मल्टीपल तो पहली संख्या तो ये रही दूसरी तीसरी तो यहाँ पर अगर बाई चौबीस से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्टी एट यहाँ पर ट्वेंटी फोर यहाँ पर नाइनटी सिक्स तो कौन सी बनी ये बनी आपकी ठीक है ना डी ऑप्शन आपका ठीक है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आठ कर्मिक सम संख्याएं दी गई हैं यदि मध्य में आने वाली दो तो संख्याओं का औसत कितना है छः है तो बताना है आपको कि आठ दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा कोई प्रॉब्लम नहीं कर्मिक है पहली बात तो यह है ठीक है ना मध्य में आने वाली तो मध्य में कौन कौन सी होगी आठ के मध्य में देखिए एक दो तीन चार पच सात आठ ठीक है ना तीन इधर छोड़ दीजिए तीन इधर ये है मध्य में तो मध्य में इसका मतलब कौन कौन सी चार तो इनका औसत छ है ऐसा कहा मध्य में आने वाली का तो अगर यहाँ पर छ है तो ये तो रखा गया ठीक है ना यहाँ पर कितना रखा गया यहाँ पर रखा गया छः अच्छा तो तो यहाँ पे कितनी थी यहाँ पे होगी सात और यहाँ पे कितनी होगी पाँच औसत छः है दोस्तों तो छः कब मिला होगा एक मिनट कर्मिक तो है नहीं है, है ना तो एक मिनट रुक जाओ इसे दोबारा करते हैं और मैं अभी समझाता हूँ जस्ट वेट रूम सपोज करोगे फ़िलहाल एक्स एक है ये एक्स प्लस वन है ये एक्स प्लस टू है और ये एक्स प्लस थ्री है ये एक्स प्लस फोर ये एक्स प्लस फाइव है ये एक्स प्लस सिक्स और ये हो गया एक्स प्लस सेवन ठीक है ना? कुछ इस तरीके से तो सभी को जब आप मध्य में जोड़ दोगे, मध्य में रखने वाली कौन सी है संख्या ये तीन इधर छोड़ दे, ये रही यानी एक्स प्लस तीन और एक्स प्लस फोर बटे कितना रहा यहाँ पर टू न यहाँ पर बचा छः की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू एक्स प्लस सेवन बराबर यहाँ पर कितना बचा आपका बारह टू एक्स को अगर आप घटा दोगे तो इधर कितना रहा आपका पाँच है ना बारह घटाने का तो एक्स की वैल्यू आपको मिली यहाँ पर पाँच बटा दो तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली आपको पाँच बटा दो तो ठीक है ना मध्य तो ठीक मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत छः है तो ये हमें मिला अभी तक तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है अब जैसा कहा था ऐसा हमने कर दिया तो बस अब आपको कुछ बात समझनी होगी क्या समझनी होगी अब हमें निकालना है औसत सॉरी योगफल तो योगफल चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो देखो आठ संख्या है तो ज़ाहिर सी बात है कितना बनेगा आठ एक्स और अब इसे जोड़ दीजिए इसे जोड़ दोगे तो ये कितना तेरह अट्ठारह बाईस पच्चीस अट्ठाईस अट्ठाईस तो यहाँ पर पाँच बटा दो रख दीजिए आठ गुना पाँच बटा दो प्लस के अट्ठाईस तो इससे काट दोगे तो कितना मिला ये चार यानी बीस अड़तालीस आपका आंसर रहेगा कितना रहेगा फोटी एट तो अच्छा ये तो था दोस्तों कुछ ऐसा तरीका यानी जो आपको थोड़ी सी समस्या देगा ठीक है ना अभी ये सही है क्वेश्चन था ये रहा आपका आंसर बट अगर आप दूसरे तरीके से जैसे मैं बता रहा था उस तरीके से करना चाहो तो ठीक है ना वहाँ पर अगर करना चाहो तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो उसी तरीके से ठीक है ना तो चलिए उस तरीके से देखना चाहो तो देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना जैसा मैंने बताया था उस तरीके से रखना औसत का मतलब क्या होता है औसत का मतलब होता है बीच का ठीक अब बीच की संख्या है तो आपको वैल्यू रखनी होगी वहां पे तो ट्राई करना आप एक बार अगर कोई प्रॉब्लम आई फिर मुझे बात ठीक है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया दस संख्याओं का औसत तीस है यदि प्रत्येक संख्या में पाँच जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है दस गुना तीस और दस में ही पाँच जोड़ दे तो पचास तो यही बना यानी दस पजे पचास अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो दस तो ऑलरेडी संख्या थी ही ये तो आपको पता ही और पाँच हमने जोड़ दिया सभी में तो दस अपन में रखोगे नया औसत दस से दस कैंसिल तो औसत बना आपका थर्टी फाइव ये बना दोस्तों औसत यहाँ पे क्या कहा गया पांच संख्याओं में से पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का दुगुना है पहली चार संख्याओं का औसत ठीक है ना पांचवी संख्या का कितना है दुगुना है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो योगफल कितना निकलेगा योग अगर आपको निकालना तो योग निकलेगा आपको दो एक्स दोगुना गुना चार ये योग मिला ठीक है अब कहा क्या गया पांचों संख्याओं का औसत सत्ताईस है तो पांचवी संख्या तो ये हुई और चार संख्याओं का योग ये है, कितना है चार संख्याओं का तो चार का कितना आया ये आठ एक्स और ये मिला सत्ताईस ये बना नौ एक्स और तीन की मल्टीप्लाई और कर दिए ऊपर साफ़ औसत है ना सॉरी तीन की नहीं पांच की पांच संख्या थी तो नौती है सत्ताईस तो एक्स बराबर कितना मिला पंद्रह एक्स बराबर कितना मिला पंद्रह ठीक है ना अब ये पंद्रह मिला तो जाहिर बात है ये मिला पंद्रह तो यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन को भी छह संख्याओं में से पहली पांच संख्या का औसत बीस है अंतिम पांच संख्याओं का औसत कितना है चौबीस तो ये थोड़ा ध्यान से तो देखना यदि अंतिम संख्या छत्तीस हो ठीक है जैसा कहा गया वैसा करते हैं ठीक है ना? तो पांच संख्याओं का औसत तो है बीस और अंतिम पांच का अगर देख लिया जाए तो पांच का है कितना चौबीस ठीक है यहाँ पर अंतिम संख्या दी गई है कितने दी गई अंतिम संख्या वो भी आपको ध्यान देना होगा तो ठीक है अच्छा तो यहां पर जब लिखोगे तो ये कितना बना ये तो बना सो और ये बना कितना एक सौ बीस ठीक है ना ये कितना बना सो और ये बना एक सौ बीस हम्म तो अब ध्यान दीजिए तो ध्यान देना क्या है तो दूसरी तीसरी चौथी का अगर योगफल आप देखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एक संख्या छत्तीस है तो छत्तीस जो है एक्स्ट्रा संख्या है तो ये आपको घटानी होगी किसमें से इसमें से भी घटा दीजिए जस्ट वेट ठीक है रे तो अभी फिलहाल आप इसे जोड़ना मत एक काम कर लो वैसे लिख दो प्लस न लिखा जाए पाँच का तो कितना था बीस और पाँच का था चौबीस तो यहाँ पे पहली पांच संख्याएं हैं तो इसमें पहली संख्या बचेगी यहाँ पे है ना यहाँ पे कितना हुआ सौ और यहाँ पे है अंतिम पांच तो छठी छा, संख्या भी इसके अंदर होगी तो यहाँ पे कितना बचा ये बचा एक सौ बीस तो जाहिर सी बात अब आपको करना क्या होगा यहाँ से आपको वैल्यू घटानी होगी कितनी घटाई तो ये मिला एट्टी फोर <coughs> 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 तो ये टोटल अगर देख लिया जाए तो किस किस का टोटल है अच्छा ये किसका था ये था आपका एक्स टू एक्स थ्री <coughs> सॉरी दोस्तों एक्स फोर एक्स फाइव एंड एक्स सिक्स ये पांच देखो पांच है ना तो इन पांच का था ये टोटल तो यहाँ पे अब ये जो टोटल मिला इसकी तो वैल्यू पुट कर दिया आपने किसकी इसकी तो इन सब का टोटल मिला अब इसे घटा दोगे तो पहली संख्या बच जाएगी तो चौरासी कम कर दी तो बचा कितना 16। तो ये थी पहली संख्या तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशन क्यों थोड़ी सी बड़ी है पर थोड़ा सा ध्यान रखना इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आपको ठीक है ना तो चलिए ध्यान दीजिए पी क्यू की औसत मासिक आय कितनी है इतनी है तो p प्लस क्यू बराबर योग देख लीजिए बस आप दो गुना पचास पचास ठीक है ना और q प्लस आर का योग कितना होगा गया दो गुना छह सौ पचास पी प्लस आर का कितना है दो गुना ये तो पी की मासिक है कितनी है तो ये आपको बताना होगा ठीक है चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो दस सौ ये मिला इसका और यहाँ पर हो गया बारह पाँच सौ और यहाँ पर कितना हो गया एक दस हज़ार चार सौ तो ठीक है हमें चाहिए ओनली पी की तो पी की अगर वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है पहले तो इन सबको ऐड करना होगा जब ऐड करोगे तो सब में डबल हो जाएगा डबल करने के बाद दो से करना होगा डिवाइड क्योंकि सब में से कॉमन लेने के बाद जब इन सब को दो से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा सोलह सौ पचास पी की चाहिए ओनली तो क्यू आर की आप घटा दीजिए यहाँ से पी की वैल्यू रखोगे और क्यू आर की होगी कितनी बारह पाँच सौ तो बारह पाँच सौ में से सोलह हजार पाँच सौ में से आप इसे घटा दोगे तो पी की मिलेगी चार हज़ार आपको कितना मिला ये चार हजार तो ये रहा चार हजार आपका आंसर अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों यहाँ पर कहा क्या गया Q और पी की औसत आयु आर की औसत आयु से पांच वर्ष अधिक है जैसा कहा गया ऐसा थोड़ा ध्यान से देखना होगा और पी और Q की आयु कितनी है उनतालीस ठीक है ना P और Q की उस जो आयु है आयु का योग कितना है उनतालीस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जैसा कहा ऐसा है, करते हैं यहां पर कहा गया P प्लस क्यू प्लस आर ठीक है ना इनका जो औसत है वो किसके बराबर है आर प्लस पांच के ठीक है तो पी क्यू का औसत दे थर्टी नाइन इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से कीजिए यहाँ पर है थर्टी नाइन प्लस आर और यहाँ पर कितना हो गया थ्री आर प्लस के पंद्रह ठीक है आर इधर घटा दीजिए तो टू आर बराबर कितना हो गया चार दो तो आर बराबर कितना हो गया बारह आर बराबर कितना हो गया आर बराबर हो गया, गया यहाँ पर बारह ठीक है ना तो अगला क्वेश्चन देखते हैं तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है और तीनों का औसत बीस है तो सबसे छोटी और बड़ी का योगफल कितना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है कर देते देखो पहली दूसरी और तीसरी पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी तीसरी की तीन गुनी है यहाँ पे एक है दूसरी जो है तीसरी की तीन गुनी है यहाँ पे तीन है और यहाँ पे है च्य. तो इस तरीके से तो आपको रखना होगा क्योंकि कहा यही गया क्या।, क्या कहा गया पहली संख्या दूसरी की दुगनी है पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी तीसरी की तीन गुनी है, दूसरी तीसरी की तीन गुनी है, तो सही रखा गया बिल्कुल यहाँ पर अगर देख लीजिए योग कितना होगा योग होगा नौ और यहाँ पर योग कितना बना यहाँ पर बना तीन गुना बीस तो मल्टीपल रहा ये बीस बटा तीन का कितने का बीस बटा तीन का तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल कितना होगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योगफल ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक गलत हो गया दोस्तों यहां पर टोटल ना ये टोटल दस होता जब ज्यादा ठीक था तो यहां पर जो टोटल हुआ ये दस था तो ज्यादा ठीक बिल्कुल सही है तो तीन गुना बीस तो इसका मतलब कितना छ का मल्टीपल अगर ये छ का मल्टीपल है तो ये ये और ये यहां पर हुआ छत्तीस यहाँ पर वो और यहाँ पर छः योगफल पूछा गया सबसे छोटी और सबसे बड़ी का तो फोर्टी टू कितना रहा ये रहा फोर्टी टू आपका आंसर तीन कर्मिक विषम संख्याओं का औसत पहली संख्याओं की तिहाई से बार ये क्या टाइपिंग में हर रोज में। मिस होता है तो दोस्तों थोड़ी सी समस्या होती है जिसमें ये कहा गया पहली संख्या के तिहाई से बारह अधिक है ठीक है ये मैंने देख लिया तो पहली संख्या के तिहाई से बारह अधिक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो अच्छा तो जस्ट वेट दोस्तों एक मिनट काफी कुछ वेट करना होगा क्योंकि तो ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत तो शुरुआत ये करना है कहा यह गया तीन कर्मिक विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या की एक तिहाई से बारह अधिक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं विषम है तो अब विषम इस तरीके से मान सकते एक 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 हैं है ये कितना होगा यहाँ पे इसी तरीके से कर देते हैं लोग को मार एक हुई एक्स प्लस टू एक हुई आपकी एक्स प्लस फोर ये भी सम है ठीक है ना औसत था तो जैसा कहा गया वैसा आपको करना होगा औसत है तो बटे में तीन और यहाँ पर पहली संख्या का एक तिहाई पहली एक्सेसरी पुष्क तिहाई और बट से कितना अधिक बारह अधिक कैल्सियम अगर यहाँ पर ले लिया जाए तो जाहिर सी बात है ये तीन से तीन कैंसिल और यहाँ पर हुआ तीन एक्स प्लस के छः और यहाँ पर हुआ एक्स प्लस के छत्तीस एक्स घटा दोगे दो एक्स इधर बच जाएगा तीस तो एक्स बराबर बचा कितना पंद्रह ठीक है ना एक्स बराबर बचा पंद्रह तीनों संख्याओं तो उन तीनों संख्याओं में अंतिम कौन सी है तो यहाँ पर बताना था अंतिम कौन सी है ये है अंतिम और जब वैल्यू पुट कर दोगे वो बन जाएगा फुल आंसर ठीक है ना ये रही आपकी अंतिम संख्या तो एक क्वेश्चन पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा और दूसरी तीसरी की तीन गुनी है तीनों का औसत ये है तो जल्दी से इसका लिख दीजिए पहली दूसरी और तीसरी पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की तीन गुनी है पहली संख्या जो है तीसरे की तो है तीन गुने और दूसरे की है दुगुनी ठीक है ना अगर दूसरे की यहां पर दो लिखो तो यहां पर यहां पर लिखना होगा फिर आपको तीसरे की तीन गुनी अगर यहां पर छ रखा जाए ठीक है ना और यहाँ पर रखना होगा ये और यहाँ पर रखना होगा जस्ट वेट में चेक कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर रखना होगा ये ये ठीक है दोस्तों बिल्कुल ठीक है ना मैं से कर देता हूँ जल्दी से देखो तो अब ध्यान से सुनिए जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है पहली दूसरी की दुगनी ठीक है ना <mínimo cioè> <sniffing> पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी ठीक है ना पहली संख्या क्या है दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या क्या है तीसरी की तीन गुनी तो समझिए ध्यान से यहां पर और यहां पर यह। तो ठीक है यहाँ तक तो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और तीनों का औसत दिएगा तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर टोटल अगर देख लोगे तो कितना होगा टोटल ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल हुआ इसका ग्यारह अगर ये ग्यारह रहा तो इसे क्या बोल दिया इसने तीन गुना फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव यहाँ पर अगर देख ले अब ये मल्टीपल बनेगा आपका तेरह पॉइंट पाँच का तो ठीक है पहली और तीसरी का अंतर पहली और तीसरी का अगर अंतर देख लिया जाए तो यहाँ पर कितना है दोनों का अंतर चार तो चार बीस जी का ही मल्टीपल होना चाहिए तेरह पॉइंट पाँच का बीस ठीक है ना तेरह चौक बावन दो चौवन तो ये रहा आपका आंसर ठीक है ना <coughs> तो यहाँ पर क्या कहा गया है ध्यान दीजिए सात संख्याओं का औसत ये थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों सात संख्याओं का औसत यहाँ पर क्या कहा गया अभी देखता हूं मैं यदि उनमें से एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत नो हो जाता है फिर औसत कितना हो जाता है नो हो जाता है तो वह जोड़ी गई संख्या कितनी है एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा वेट करना होगा आपको थोड़ा ऐसे ही है हमारे टाइपिस्ट मोदे पढ़ ले थोड़ी थोड़ी सी गलती कर देते हैं और हमें यहाँ परेशानी भुगतनी होती है आठ कहा गया दोस्तों यहाँ पर क्या है आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर आठ है तो सात संख्याओं का औसत आठ है यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत नौ हो जाता है ठीक है यहाँ पर जैसा कहा गया वैसा करना होगा अब आपको देखिए तो सात का कितना था औसत आठ एक संख्या जोड़ दी तो नौ औसत भी फिर कितना हो जाता है नौ हो जाता है तो नम इक्यासी नम और सतौटी छप्पन तो औसत नौ हो जाता है एक मिनट पहले संख्या ये आठ हो गया आठ नम बहत्तर दोबारा करते हैं दोस्तों एक मिनट ये संख्या हुई आठ औसत नौ था तो ये बहत्तर और ये हुआ अठी छप्पन तो यहाँ पर कितना बचा सोलह आपका आंसर ठीक रहा यहाँ पर देखिए क्या कहा गया सचिन तेंदुलकर की ग्यारह पारियों का कुछ निश्चित औसत था उसने अपनी बारहवीं पारी में दस रन बनाकर ठीक है बारहवीं पारी में दस रन बनाकर ठीक है नए अपने औसत में पांच रन की वृद्धि की तदनुसार नया औसत क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नया औसत क्या है क्या करना होगा कितने थे दस रन नहीं दोस्तों ये भी गलत लिखा गया मैं चेक करता हूँ तो एक सौ बीस है दोस्तों कितना है ये एक सौ बीस तो यहाँ पे है ये ध्यान दीजिए एक सौ बीस है दोस्तों ये. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैसे कैसे करना आपको लगाना है ये फॉर्मूला जो सा मैंने बताया अभी था आपको वाई प्लस माइनस एन एक्स तो इस फॉर्मूले का अप्लाई करना बस याद रखना सिर्फ रन वाले क्वेश्चन के लिए कौन से में जिसमें रन मिलेगा आपको तो सिर्फ उस क्वेश्चन में बस ध्यान ये देना है कि अगर वृद्धि है तो माइनस साइन लेना और अगर कमी है तो प्लस लेना ये लेना ठीक है ना यहाँ पे एक सौ बीस रन और माइनस के कितना है ग्यारह पारियों का औसत ग्यारह थी तो गुना पाँच तो एक सौ बीस तो है जिटीज और यहाँ पर पचपन ठीक है अब आप घटा दोगे तो कितना बनेगा यहाँ पर औसत ध्यान दीजिए घटा दीजिए बस यहाँ से बच्चा सिक्सटी फाइव ठीक है ना ये आपको मिला यहाँ पर सिक्सटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं देखिए यहाँ पे क्या कहा गया पैंतीस छात्रों की एक कला एक कक्षा का औसत भार सैंतालीस साढ़े सैंतालीस किलोग्राम ये सही टाइपिंग नहीं किया ठीक है ना यदि अध्यापक का भार जोड़ दे तो कितना हो जाता है इतना तो जैसा कहा गया वैसा करते हैं ठीक है ना अध्यापक ऐड करने पर कितना हुआ फोर्टी एट का तो इसी तरीके से जैसे ये फॉर्मूला लगाया इसे भी लगा सकते फोर्टी एट प्लस वन बाई टू इंटू थर्टी फाइव बाई तो इसे जब लिख दोगे तो पैंसठ से ही एक बटा दो के आसपास किलोग्राम वेट रह जाएगा आपका आंसर तो आंसर कौन सा रहा ये फर्स्ट वाला यहाँ पर भी ऐसा ही है एक बल्लेबाज ग्यारहवीं इनिंग का कुछ निश्चित तौर तो था उसने बारहवीं इनिंग में नब्बे रन बनाए तो उसके औसत में पाँच रन की कमी हुई तो कमी हुई दोस्तों यहाँ पर करना क्या होगा ऐड तो नब्बे प्लस के पाँच गुण ग्यारह तो नब्बे प्लस के पचपन तो कितना रहा वन फोर्टी फाइव तो वन फोर्टी फाइव ये रहा आपका आंसर वन फोर्टी फाइव यहाँ पे एक और क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करते हैं ध्यान दीजिए एक नाव में बैठे पांच व्यक्तियों का औसत भार अड़तीस किलोग्राम है उसी नाव में उसमें से बैठे एक व्यक्ति का भार कितना है बावन किलोग्राम तदनुसार अनुसार नाव का भार कितना है कोई प्रॉब्लम नहीं है एज एडेज कर देते हैं नाव का प्रॉब्लम तो फिफ्टी टू इंटू कितने हो गए सिक्स और थर्टी एट माई इंटू फाइव तो चाहे वो ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर यहाँ से इससे सोल्व हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इससे कर देता हूँ मैं मैंने बस मेरा मानना ये है कि आप दोनों तरीके सीख लीजिए जिसकी वजह से आपको कोई समस्या ना हो ठीक है ना तो आप इसे घटा दीजिए यहाँ पर रहा किलोग्राम एक तो सौ बाईस किलोग्राम की नाव थी तो दोस्तों आज इस क्लास में इतने क्वेश्चन थे तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी ठीक है ना तो चलिए चलते हैं तो एक आवश्यक सूचना और है दोस्तों आवश्यक सूचना आप सभी के लिए क्या है कि आप अगर चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफ़ेयर्स की समस्या से परेशान है तो निश्चिंत हो जाइए दोस्तों उसकी भी समस्या का हमने समाधान कर रखा है बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है हमने अपने इसी चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट की है और वो भी खास बात यह है दोस्तों वो भी करंट अफेयर जो हमने स्टार्ट की है ठीक है ना वो भी दो भाषाओं में की है दोस्तों ठीक है ना तो दो भाषाओं में तो कौन कौन सी में दो भाषाएं हैं तो अगर देख लिया जाए तो वो जो दो भाषाएं हैं आपकी जस्ट वेट तो उन दो भाषाओं की बात करी जाए तो एक हिंदी है एक इंग्लिश है आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर इनकी क्लास की अगर बात की जाए तो ये क्लास फोर ए एम से स्टार्ट होती है हिंदी की और ये होती है फाइव ए एम से अब आप सोच रहे हो कि सर दो क्लास इतनी जल्दी जल्दी कैसे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो क्लास है दोस्तों ये आप सबकी बेसिक क्लास है कैसी है ये सॉरी ये क्लास शॉर्ट वीडियोज है कैसी है शॉर्ट वीडियोज तो शॉर्ट वीडियोज मीन एक मिनट के अंदर सिर्फ आपकी करंट अफेयर्स तैयार और करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा बीस से तीस क्वेश्चन बनते हैं और उनमें भी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस भी होते हैं ठीक है ना जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो रख दिए जाते हैं बार बार तो वरना 10 से 15 ही क्वेश्चन एक दिन के बनते हैं वो सभी 10 आपके पढ़े 30 हमारी क्लास में होते हैं और उन तीन तीस क्वेश्चनों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे ये ठीक है ना तो पर डे आप उस क्लास को देख सकते हैं और सिर्फ एक मिनट के अंदर आपकी करंट अफेयर्स की समस्या से भी निदान हो जाएगा और आप निश्चिंत होकर हमारे साथ रहेंगे तो ठीक है चलिए दोस्तों फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो है ये आपको पसंद आई होगी ठीक है ना तो अगर हो सके इस क्लास को अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ठीक है ना दूसरी बात आज की क्लास कैसी रही अपने सुझाव ज़रूर शेयर कीजिए ठीक है ना तो जैसे भी आप हो सके अपने से सुझाव दिए जो भी आप बदलाव यानी कुछ भी कुछ नयापन जो भी आप चाहते हो उस बारे में जरूर अपनी राय दिया करें क्योंकि राय के माध्यम से ये होता है दोस्तों हमें पता लगता रहता है कि कितनी अच्छी क्लास हो रही है कहाँ कमी चल रही है क्या हमें दूर करना चाहिए ठीक है ना तो इसी के साथ दोस्तों मैं संजीव तोमर एक बार फिर विदाई लेता हूँ आपसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें कैद कब तक दोस्तों जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना हो थैंक्स फॉर वॉचिंग